अभी तूफान लग रहा है, गुजर रहा है। ये है वो साइक्लोन जो अभी गुजर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो अभी तक है, लेकिन हो सकता है कट जाए और बहुत सारे लाइट पोस्ट डाउन है। तो इस बार बिहार गया था तो एक चीज सीखा था, ये मुरेठा बांधना। तो अभी रात का 12:30 बज गया है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। रोड नदी बन चुका है। तो ये रहे यहाँ के हालात, पूरा बाढ़ आ गया है। तो अभी तूफान लग रहा है, गुजर रहा है। तूफान का मतलब लैंडफॉल हो चुका है और काफ़ी करीब है हम लोगों से। दैट्स व्हाई इट्स सो विंडी एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी स्टॉर्म का पूरा आई गुजर रहा है कोलकाता के ऊपर से और मैं विटनेस कर पा रहा हूँ अभी। भाई गजब हवा चल रहा है और लगता है सारा प्रेडिक्शन गलत हो गया है। मतलब ये कोर्स चेंज किया है और ये पूरा कोलकाता से गुजर रहा है। गजब का हवा है, विंड स्पीड है। इलेक्ट्रिसिटी तो अभी तक है, लेकिन हो सकता है कट जाए। एकदम गजब हवा चल रहा है, सारे लाइट्स ऑफ हो गए, बस ये लाइट पोस्ट अभी जल रहा है। और अभी फ़िलहाल रात के 12 बज रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। एकदम टेम्परेचर लो हो गया है, ठंड ही ठंड है और हवा ही हवा और गस्टिंग, कभी कभी गस्टिंग इतना तेज है कि क्या बताएं, मज़ा ही आ जा रहा है। सब लोग सो रहे हैं और ये तूफान गुजर रहा है। ये आवाज़ गजब का है, लेकिन जो हवा बहता है और जो आवाज़ आता है गजब लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉर्म ने सभी को टाइम दिया, सब लोग खाना खा के सोने चले गए, उसके बाद इतना तीव्रता ये स्टॉर्म की हुई। सब लोग सो रहे हैं, कोई विटनेस नहीं कर रहा है, जितने कभी बारिश पड़ी है कोई विटनेस नहीं कर रहा है, सब लोग सो रहे हैं ना टाइम से। स्टॉर्म गुजर रहा है, जैसे लग रहा है स्टॉर्म सबको बख्श दिया है। ये दिन में आता ना तो काफ़ी कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते हैं, लेकिन ये रात में है और बहुत सारे लाइट पोस्ट डाउन है बिकॉज ऑफ वायर हिल गया होगा, तो सारे लाइन कटे हुए हैं, लाइट पोस्ट में लाइट नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा। स्टॉर्म सबसे गजब चीज़ है, नेचर की फोर्स को अगर आपको देखना है तो आप स्टॉर्म को विटनेस कर सकते हैं। क्या गजब सिस्टम बनता है, जस्ट लो प्रेशर के डिफरेंस से ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनते हैं। गर्मी और भाप बनने से ये सब सिस्टम बनते हैं। अर्थ कमाल का मशीन है, एवरीथिंग इज टर्निंग, ग्रोइंग, लाइक एवरीथिंग इज मूविंग, नथिंग इज स्टैटिक हियर इन ऑन अर्थ, एवरीथिंग इज अलाइव, लाइक एयर, विंड, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स हैव देयर लाइफ। It feels like they have their own course, they have their own span of life, like the storm has. It develops, then it gains energy, it becomes huge, large, and then it makes landfall and then it dissipates. Aur is tufan ka naam remal hai, main bolna bhul gaya tha. Jab hawa beh raha aur barish ki to baat hi chhod do yaar, mujhe to lag raha hai na 2-3 महीने की बारिश सिर्फ आज ही हो जाएगा, आज एक दिन में, बस इस सिर्फ रात में बहुत ही बारिश हो रहा है। मुझे लगता कि कोई एक्सपेक्ट किया होगा यहाँ पर, या फिर मैं तो सोचता कि ये बांग्लादेश जाएगा, बट ये तो कोलकाता से गुजर रहा है। आई एम 100% श्योर। मैं अभी IMD का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का साइट चेक किया हूँ, तो उसमें देखा कि ये सीधे ऊपर से गुजर रहा है। तो अब लगता है 12:20 हो गया है, मैं आधे घंटे से स्टॉर्म को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि सोने जाऊँ, अदरवाइज कल मेरे को प्रॉब्लम होगा, मैं बहुत लेट उठूँगा और सब कुछ लेट स्टार्ट होगा। तो आज मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि अभी तक लाइन क्यों नहीं काटे हैं, क्योंकि पहले छोटा छोटा स्टॉर्म आता था तो उसमें लाइन काट देते थे, लाइक थंडर स्टॉर्म्स में भी लाइन काट देते थे, लेकिन अभी पूरा का पूरा साइक्लोन गुजर रहा है तो लाइन नहीं काटे हैं। एक्चुअली ये हमारे लिए अच्छा ही है कि घर में अभी तक अभी इलेक्ट्रिसिटी है, बाहर में बहुत सारे लाइट पोस्ट डाउन हो गए हैं लेकिन घर में लाइन है अभी। पता नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रिशियन जो उसका काम करता है, जो लाइक मेन स्विच से लाइट ऑफ करते होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी कट करते होंगे ना, वो भी अभी उठना नहीं चाहते हैं, वो बस सोना चाहते हैं, अभी तक लाइन नहीं कटा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
इस बार बिहार गया था तो एक चीज़ सीखा था, ये मुरेठा बांधना, और ये बहुत काम आता है जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो मैं ये इसको यूज़ करता हूँ। अभी ऑलमोस्ट 23 डिग्री सेल्सियस होगा, बहुत काफ़ी ठंडा हो गया है। लाइक मैं कुछ से विटनेस कर रहा था 40 डिग्री सेल्सियस, और अभी 23 डिग्री सेल्सियस को फील करना पड़ रहा है, तो इतना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने से कोल्ड पकड़ने का बहुत चांसेस होता है, तो इसीलिए मैं इसको बांध लिया हूँ। इस बार गांव गया था तो मैं इसको सीखा था कि कैसे इसको बांधा जाता है सिर पे, और ये क्या काम कर सकता है। और बिहार में क्या होता है ना कि वेदर बहुत एक्सट्रीम है, लाइक आपको मॉर्निंग में काफ़ी ठंडा रहता है, फिर समर टाइम है जब दोपहर होता है तो काफ़ी गर्मी होता है, और उसके बाद शाम में फिर थोड़ा टेम्परेचर कम जाता है। तो मैं जो मॉडरेट टेम्परेचर में रहता हूँ कोलकाता में, तो मैं जब गांव जाता हूँ तो मुझे बहुत एक्सट्रीम तो टेम्परेचर झेलना पड़ता है, तो ये बहुत काम आता है। अगर ये आपके पास है तो ठंडा में शाम को आप इसे बांध सकते हैं सिर पे, जिससे आपको ठंड थोड़ा कम लगेगा, तो ये ऑलवेज काम आता है। अब मुझे ये सीख लिया हूँ और बहुत हैंडी है ये चीज़। तो अभी रात का 12:30 बज गया है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है और काफ़ी रात हो गया, तो जाता हूँ सोने। तो ये है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट, जहाँ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कोई भी वेदर सिस्टम को। तो ये है वो साइक्लोन, ये है वो साइक्लोन जो अभी गुजर रहा है, और जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज़ रेमाल एंड इट इज़ जस्ट अबव कोलकाता। यहाँ पे होगा वेल मार्क्ड लो प्रेशर, आई ऑफ द स्टॉर्म, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी रहता है वो यहाँ रहता है, और ये इसके हो गए आउटर पार्ट्स। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी बारिश हो रहा है, बहुत क्लाउड्स देखने मिल रहा है, लेकिन हमारा बिहार में अभी तक ये बारिश नहीं गया है, जस्ट थोड़े में क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये ऐसे मूव करता है तो ज़रूर यहाँ पर बारिश होगा, काफ़ी बारिश होगा। तो आज 27 तारीख है और अभी तक बारिश हो रहा है और तूफान गुजर ही रहा, पूरा पानी पानी हो चुका है, रोड नदी बन चुका है। सी भाई, हवा इतना तेज है, क्या बताएं, मेरा छाता मिला भाई, टिकेगा कि नहीं है। वाह क्या मस्त है, मजा आ रहा है, क्लाउड्स कितना जल्दी पास हो रहा है, कुछ लोग वहां पर बारिश में खेल भी रहे हैं। सी देयर पक्का के शिट, ओ भाई ठंड लग रहा है। तो आज 27 मई है और यहाँ पर पूरा हाफ ऑफ इंडिया स्कॉच हो रहा है गर्मी के कारण, और मैं इतना अच्छे मौसम का वीडियो बना रहा हूँ। इस बार हम लोग बहुत लकी हैं कि एक स्टॉर्म गुजर रहा है और इतना बारिश हो रहा है, काफ़ी बारिश हो रहा है, रोड्स नदी बन चुके हैं पूरा, और ठंड एकदम बहुत ठंड हो गया है। देखो मज़ा आ रहा है। तो ये रहे यहाँ के हालात, पूरा बाढ़ आ गया है, सब जगह पानी बह रहा है, हाथ तक नज़र जा रहा है, पानी ही पानी है, लेकिन मछली नहीं चल रहा। पूरा का पूरा पानी, बैठ के तो कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा, आज ठंड लग रहा बहुत। हाँ
ना बंद है सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।